तिरंगा ऊंचा रहेगा, हिंदुस्तान आजाद होगा, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। ऊंचे स्वर में इन शब्दों के साथ गगन को गुंजाते हुए एक 19 वर्षीय नौजवान उत्साहित हो बार बार फांसी के फंदे को चूमे जा रहा था और आसपास खड़े गिनती के लोग ठिठक कर उसे हैरत से देखे जा रहे थे। फिर जब जल्लाद ने फांसी का फंदा उसके गले में डालते हुए उसके मुंह को कपड़े से ढकना चाहा, उसने तुरंत मुंह पर से कपड़ा हटा, फंदे को पकड़ लिया। मैं यह हार अपने गले में खुद डालूंगा, और उसे वैसा करने दिया गया। फिर एक बार जोर की आवाज, वंदे मातरम, और सब एक झटके में समाप्त। साथियों, यह घटना घटी थी 21 जनवरी 1943 को सिंध की सखर सेंट्रल जेल में, और वतन की आजादी के खातिर मर मिटने वाला था या नन्हा सिपाही था हेमू कलानी, जिसके मन में बहुत छोटी उम्र में देशभक्ति का अंकुर फूट गया था। भगत सिंह को फांसी दिए जाने पर यह अंकुर कुछ इस तरह विकसित हुआ, माँ मैं भी भगत सिंह की तरह फांसी पर चढ़ भारत माता को आजाद कराऊंगा। माँ ने अल्हड़पन की बात हंसकर टाल दी थी, पर मैट्रिक तक आते आते हेमू के मन का यह सपना वास्तविकता में बदल चुका था। सखर में स्वराज सेना गठित कर उसके झंडे तले हेमू अपने सैकड़ों साथी छात्रों को अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार कर चुका था। भाइयों बहनों, 18 वर्ष की उम्र में उसने अंग्रेजी राज का तख्ता पलटने के लिए बड़ा कारनामा किया, पर दुर्भाग्य से पकड़ा गया। मार्शल लॉ कोर्ट के तहत देशद्रोह के अपराध में उस पर मुकदमा चला और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पर सिंध के क्रूर मुख्यालय अधिकारी कर्नल रिचर्डसन के मन में क्रांतिकारियों के प्रति गहरी घृणा के कारण उम्र कैद की सजा मृत्यु दंड में बदल दी गई। इस अमानवीय कृत्य की तीखी प्रतिक्रिया हुई। हेमू की जीवन रक्षा के लिए सिंध के चोटी के नेता एक हो गए। उसे बचाने की पुरजोर कोशिशें हुई, पर रिचर्डसन की हट धर्मिता के कारण सारे प्रयास बेमानी हो गए। अंतिम निर्णय फांसी के पक्ष में ही रहा। हेमू की स्वयं की फांसी की इच्छा भी आड़े आई और अंततः हेमू को फांसी दे दी गई। शहादत के समय हेमू कलानी की उम्र 19 साल से कुछ महीने कम ही थी, पर स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी इतिहास में उसका नाम अमर है। श्रोतागण, हेमू कलानी का जन्म 11 मार्च 1924 को सखर में हुआ था। पिता पेसुमल कलानी और चाचा मघाराम कलानी स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय थे। माँ जेठाबाई धार्मिक विचारों वाली आस्थावान महिला थी, जिन्होंने बालक खेमू में सेवा एवं त्याग की भावना जगाई, और पिता चाचा ने उसे राष्ट्रीयता व देशभक्ति के संस्कार दिए। फिर भी बचपन से क्रांतिकारी गतिविधियों में रुचि लेने के कारण परिवार के लोग उसे लेकर कुछ चिंतित व भयभीत रहते थे और उसे गांधीवादी विचारधारा की ओर मोड़ते थे। पर भगत सिंह की कहानी और उनकी शहादत ने हेमू के मन में प्रबल प्रेरणा जगाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसे मौका भी मिल गया, जब गांधी जी ने भी जेल जाते जाते देशवासियों से कह दिया था, करो या मरो। विशेष रूप से किशोर युवा उत्साह बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की कार्यवाहियों द्वारा अंग्रेजों को जल्दी से जल्दी इस देश से भगा देने पर उतर आया था। साथियों, ऐसे में जब सिंध के विद्रोह को कुचलने के लिए सैनिकों और हथियारों से भरी एक रेलगाड़ी सिंध भेजने की खबर आई, तो क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि इस रेलगाड़ी को रास्ते में ही गिराना है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हेमू ने आगे बढ़कर जिम्मा लिया।
अपनी स्वराज सेना से उसने केवल 2 साथी चुनकर अपने साथ लिए और औजार लेकर अंधेरी रात में सक्खर से कुछ दूर रेल मार्ग की पटरियां उखाड़ने के लिए पहुंचे। 23 अक्टूबर 1942 की रात जब वे फिश प्लेटें खोलने के काम में जुटे थे, पुलिस की एक गश्ती टुकड़े ने उन्हें पटरी पर झुके देख लिया। सिपाहियों को दूर से देख दोनों साथी जैसे तैसे भाग निकले, पर हेमू पकड़ा गया। साथियों का पता लगाने के लिए हेमू को जेल में तरह तरह की यातनाएं दी गई। बेतों की मार, बर्फ की सिल्लियों पर लिटाना, भूखा प्यासा रखना, पर हेमू ने जबान नहीं खोली। सीना तानकर अपना अपराध स्वीकार किया कि वे ब्रिटिश राज्य का खात्मा चाहते हैं। इसके लिए वे मर मारने को तैयार हैं। उन्हें जो करना है कर ले। हेमू ने सजा से डरता है न मौत से। वह तो भारत माता की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहता है। बस आगे की कहानी तो सब जानते ही हैं कि फांसी पर चढ़ना हेमू का सपना था जो पूरा हो गया। मरने से पहले उसने अपने माता पिता से आशीर्वाद मांगा कि वे रोए नहीं, उसे हंसते हंसते विदा करें और आशीष दें कि वह फिर मातृभूमि पर ही जन्म ले। हेमू का शव बड़ी मुश्किल से ब्रिटिश अधिकारियों ने परिवार को सौंपा, पर जब शाम को शव यात्रा निकली तो भरी आंखों के साथ जैसे सारा सक्खर ही उमड़ पड़ा था। साथियों, हेमू कालानी की स्मृति आज भी इतिहास की धरोहर के रूप में सुरक्षित है। जय हिंद, जय भारत।